ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज की मधुर मुरली 8/4/2023। मीठे बच्चे किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत परिये धर्म ना छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। राष्ट्र बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है। उत्तर ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वादा या प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना है। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। मन मत व परमत पर नहीं चलना। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने बच्चे शालिग्रामों प्रति शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। बाबा ने समझाया है जो भ्रक्ति के बीच में रहती है, चमकता है अजब सितारा। यह आत्मा की ही बात है, यह तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है, रुद्र कहें तो भी निराकार है। सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। वह है परम पिता परम आत्मा, परे ते परे कहें तो भी निराकार है। सिर्फ नाम अलग है। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना आत्मा अपना अपना है। हर एक ही आत्मा का शरीर का नाम अपना अपना होता है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार शिव हूँ। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ, देखो स्वर्ग के लायक हैं। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या? उन्हें तो पढ़ना है, यह नॉलेज है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, यह कोई कामन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरी सत्संग। अच्छा, धारणा के लिए मोक्षार पहली पॉइंट, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी जवान दे बदलना नहीं है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरी पॉइंट, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में ना फंसना है, ना किसी को फंसाना है। वरदान है आज का, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी सद्गुरु के बच्चे बन गति और सद्गति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सद्गुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सद्गुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीत चलने वाले, ऐसे मास्टर सद्गुरु ही सेकंड में नज़र से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं।
स्लोगन है आज का, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। ओम शांति।